नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। केंद्र में बिहार सरकार को भले ही मनमाफिक हिस्सेदारी नहीं मिली है, लेकिन जो भी मंत्री बनाए गए हैं उन्हें महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कल आरसीपी सिंह और पशुपति कुमार पारस मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन गए। उन्हें महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं। पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाए गए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हो, लोजपा के पशुपति कुमार पारस हो, या फिर इनके अलावा पूर्व से केंद्र में बिहार की नुमाइंदगी कर रहे आरके सिंह हो, उन्हें भी प्रमोशन मिला है। गिरिराज सिंह और अश्विनी कुमार चौबे का मंत्रालय भी बदल दिया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी नेता आरसीपी सिंह को केंद्र में इस्पात मंत्री बनाया गया है। पहले यह जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की थी। उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रहे आरसीपी सिंह को अब यह मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं लोजपा के पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री बनाया गया है। बता दें कि इस विभाग के मंत्री उनके दिवंगत भाई रामविलास पासवान भी रह चुके हैं। जी हाँ, तो रामविलास पासवान की जगह पशुपति कुमार पारस को कैबिनेट में जगह मिल गई है, मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर के पास यह मंत्रालय था, जो अभी रामविलास पासवान के भाई को मिला है, वो मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास था। हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद से वे इस विभाग को संभाल रहे थे। अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जैसे बड़े मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। ये पहले से केंद्र में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय संभाल रहे थे। उससे पहले ये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई मंत्री थे। ब्यूरोक्रेट रहे राजकुमार सिंह को मोदी सरकार ने अच्छे कामों का इनाम दिया है। बिहार के आरा से सांसद आरके सिंह अब तक केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री थे, उन्हें कैबिनेट में विद्युत एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी चौबे की, तो उनका विभाग भी बदल दिया गया है। उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। बता दें कि बुधवार को एक समय इस्तीफे का सिलसिला शुरू होने के बाद यह खबर आई थी कि अश्विनी चौबे ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये महज एक अफवाह था। जी हाँ, अश्विनी चौबे अभी भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। जी हाँ, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल है, उनका केवल विभाग बदल दिया गया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।